और दूसरा यहीं से 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट आ रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से 5 वोल्ट आता है तो ये 5 वोल्ट अगर इस पे जाएगा, इस मॉस्फेट पे जाएगा, तो ये मॉस्फेट को क्या मिलेगा, पॉजिटिव करंट, और पॉजिटिव मिलेगा तो ये मॉस्फेट बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए नेगेटिव यानी कि लो करंट चाहिए इसको, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पे वोल्टेज होगा तो ये मॉस्फेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कैसे आएगा, कम या नहीं आएगा, जैसे ही यहाँ पे 5 वोल्ट आता है तो ये वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगा। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे जाता है तो ये वोल्टेज ग्राउंड होना चाहिए, अगर ये ग्राउंड होगा तो ही यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा। तो ये ग्राउंड कैसे होगा, जैसे ही यहाँ पे इनेबल सिग्नल आएगा और ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, और ऑन होगा तो यहाँ का सारा वोल्टेज जो है ग्राउंड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो वोल्टेज। इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा अगर ये इनेबल मिलता है तो इस मॉस्फेट का ऑन होना ज़रूरी है। जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे वोल्टेज सारा ग्राउंड होगा और यहाँ पे आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही जीरो वोल्टेज मिलेगा तो ये 3.3 वोल्ट VS के नाम से कन्वर्ट होकर LCD VDD पे चला जाएगा, और आपका LCD पे जो लाइट नहीं आ रही है वो भी आ जाएगी, वाइट डिस्प्ले है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कैसे प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड देखिए दोस्तों, होता क्या था कि यहाँ से जो है इनेबल सिग्नल आएगा, ये जीरो ओम का रजिस्टर लगा होगा, मैंने इसको हटा दिया है, जम्पर एक कर दिया, वैसे वो ख़राब हो गया था। तो इस मॉस्फेट पे जाता है, देख रहा होगा आपको, चलिए थोड़ा सा दूर कर देते हैं, इस मॉस्फेट पे आएगा, और जैसे ही मॉस्फेट का गेट ऑन होगा तो ये मॉस्फेट एक था जो 3.3 वोल्ट को 3.VS वोल्टेज में कन्वर्ट करके LCD को दे रहा है। तो फिलहाल ये मॉस्फेट मैंने निकाल दिया है, इसने निकाल दिया है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ना होने से या इसके ख़राब होने से हमारे डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए बोर्ड को ऑन करते हैं। देखिए मैंने सारा चीज़ कनेक्ट कर दिया हुआ है, मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ। देखिए मेरा बोर्ड ऑन हो चुका है, पेन भी घूम ही रहा है इसका, और LCD पे क्या आ रहा है, नो डिस्प्ले। मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने इस मॉस्फेट को दिख रहा होगा, मॉस्फेट मैंने निकाल रखा है, मॉस्फेट मेरा यहाँ पे है, यही वो मॉस्फेट है जो मैंने यहाँ से निकाल रखा है। अगर मैं इस दोनों को आपस में शॉर्ट करता हूँ, चलिए मान लीजिए मॉस्फेट ये ओके है, तो क्या होगा, देखिए वहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, जैसे ही ये मॉस्फेट का मैं हटा देता हूँ एक तरह से, तो देखिए डिस्प्ले चला गया और आ गया, चला गया आ गया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये मॉस्फेट ख़राब होगा तो नो डिस्प्ले आएगा, अगर इस मॉस्फेट का वोल्टेज लो होगा तो ये मॉस्फेट आपको वाइट डिस्प्ले देगा, वो भी देख लेते हैं एक बार कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे तो ये मॉस्फेट मिला नहीं, ये जो मॉस्फेट दिख रहा है ये मैंने चेंज कर दिया है, ये यहाँ पे ख़राब था, फॉल्टी था, इसलिए वो वाइट डिस्प्ले दे रहा था। फ़िलहाल ये मॉस्फेट ओके है तो इससे अभी वाइट डिस्प्ले का तो प्रॉब्लम चला गया, लेकिन नो डिस्प्ले जो आ रहा था, जो ये पिन, ये जो मॉस्फेट था वो ख़राब होने की वजह से
खराब नहीं मान सकते हैं उसको, उसका गेट जो है हाई लो नहीं होने की वजह से वो वोल्टेज आगे पास नहीं कर रहा था। तो उसके लिए क्या किया हमने, डायरेक्ट जो है वो जम्पर उसके गेट टू सोर्स में लगा दिए हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वोल्टेज वो जो 3.3 जो VS में कन्वर्ट करा था वो कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा होगा जम्पर मैंने मार दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखिए DC को ऑन कर रहा हूँ मैं, एम्पियर भी देख सकते हैं ठीक ठाक है। और अब बोर्ड ऑन करते हैं, देखिए बोर्ड ऑन हो गया है। और आपका डिस्प्ले देख लेते हैं, देखिए तो ये डिस्प्ले जो है प्रॉपर आ चुका है। इसमें क्या था कि वाइट डिस्प्ले था, तो वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम ये यहाँ पे जो मॉस्फेट दिख रहा है आपको, मैं डायग्राम में समझा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए हो क्या रहा था, ये दो जो मॉस्फेट दिख रहा है आपको ये एक ही में कंबाइन है वहाँ पे। तो हुआ क्या था, यहाँ से इनेबलिंग आ तो रहा था लेकिन ये मॉस्फेट जो है यहाँ का जो 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट जो है यहाँ पे वो लो नहीं कर रहा था, यहाँ पे ग्राउंड नहीं कर रहा था। इसकी वजह से ये 5 वोल्ट जो है इसके ऊपर जा रहा था, इस मॉस्फेट के ऊपर जा रहा था। और इस मॉस्फेट के ऊपर जो जा रहा था तो इसको क्या चाहिए, 0 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज दे रहा था कन्वर्ट करके। इसकी वजह से यहाँ पे वाइट डिस्प्ले आ रहा था, यहाँ पे कुछ समथिंग 2.51 वोल्टेज आ रहा था जिसके कारण वाइट डिस्प्ले आ रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ही एक जम्पर ले लिया। अब क्या हुआ इसको, 3.3 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया। तो प्रॉब्लम आपका जो है ये सॉल्व हो चुका है, दिख रहा होगा आपको ये डिस्प्ले आ गया है। देखिए ये मैंने जम्पर लगाया था, चलिए फाइनली प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया है। अगर आपके पास भी ऐसा ही एक कोई बोर्ड वगैरह आता हो, नो डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले, तो आप हमारे शॉप पे आके रिपेयर करवा सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रिपेयर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।